राधे राधे जय माता की भक्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में। और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सीता नवमी को सीता जयंती या जानकी नवमी के नाम से भी जाना जाता है। सीता नवमी का पर्व देवी सीता के अवतार देवी लक्ष्मी और भगवान राम के जीवन साथी के रूप में मनाया जाता है। जय माता की, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सीता नवमी के त्यौहार के विषय में। भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म श्री राम नवमी वाले दिन होता है और ठीक एक महीने बाद उसके सीता मैया का जन्मदिन का त्यौहार मनाया जाता है। देवी सीता का जन्म धरती के द्वारा हुआ था। महाराजा जनक ने माता सीता की खोज की और उन्हें अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया। सीता नवमी या सीता जयंती का पर्व शुक्ल पक्ष वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाया जाता है। आज हम बात करेंगे सीता नवमी का त्यौहार किस दिन मनाया जाएगा, साथ ही इसकी पूजा विधि के विषय में भी बताएंगे और सीता नवमी का क्या महत्व है, क्यों मनाया जाता है ये त्यौहार, क्यों मनाना चाहिए, इस तरह से बहुत ही उपयोगी बातें आज की वीडियो में हम करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि सीता नवमी किस दिन है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि का आरंभ 16 मई गुरुवार प्रातः 6:22 से हो रहा है और इसका समापन 17 मई शुक्रवार 8:48 पर होगा। सीता नवमी का मध्यान्ह मुहूर्त रहता है पूजा का और वह है दोपहर में 11:04 से 1:43 तक, और इसी समय पूजा की जाती है। सीता माता का जन्म मनाया जाता है। जैसे हम भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्मोत्सव मनाते हैं, वैसे ही माता सीता का भी मनाते हैं। तो 16 मई 2024 दिन गुरुवार को सीता नवमी का पावन पर्व मनाया जाएगा। सीता नवमी का दिन रामनवमी की तरह ही बेहद शुभ होता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन जो व्यक्ति माता सीता और राम जी की विधि विधान से पूजा करता है, उसे 16 महान दानों का फल, पृथ्वी दान का फल तथा समस्त तीर्थों के दर्शन का लाभ मिलता है। वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि पाने के लिए माता सीता का यह पर्व सीता नवमी श्रेष्ठ माना गया है। सीता नवमी के दिन माता सीता को श्रृंगार की सभी सामग्री अर्पित की जाती है, साथ ही इस दिन सुहागिने व्रत रखकर अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार मिथिला में भयंकर सूखा पड़ा था, जिस वजह से राजा जनक बहुत अधिक परेशान थे। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए उन्हें एक ऋषि ने यज्ञ करने और स्वयं धरती पर हल चलाने का सुझाव दिया। राजा जनक ने अपनी प्रजा के लिए यज्ञ करवाया और फिर धरती पर हल चलाने लगे। तभी उनका हल धरती के अंदर किसी वस्तु से टकराया। मिट्टी हटाने पर उन्हें वहां सोने की डलिया में मिट्टी में लिपटी एक सुंदर कन्या मिली। जैसे ही राजा जनक जी ने सीता माँ को अपने हाथ से उठाया, वैसे ही बारिश तेज से शुरू हो गई। राजा जनक ने उस कन्या का नाम सीता रखा और उसे अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया। कहा जाता है कि सीता का अर्थ हल होता है और इस प्रकार से माता सीता का जन्म हुआ। तो बोलिए सीता मैया की जय, सीता राम भगवान की जय, सीता मैया के माता पिता की जय। तो बहुत ही पावन और बहुत ही पवित्र पर्व है सीता नवमी। जिस प्रकार से हम सभी त्योहारों को मनाते हैं, वैसे ही हमें अपनी सीता मैया के इस पावन पर्व को भी मनाना चाहिए। आप चाहें तो व्रत रख सकते हो, व्रत नहीं भी रख रहे हैं तो जिस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्मोत्सव का पर्व हमने मनाया, उसी प्रकार से माता सीता के जन्मोत्सव का पर्व भी हमें मनाना चाहिए। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ सुंदर वस्त्र पहनकर एक चौकी लगाएं, चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं, प्रभु श्री रामचंद्र जी के साथ माँ सीता की फ़ोटो या फिर प्रतिमा रखें,
साथ ही आप गणेश जी की जो प्रतिमा है वो अवश्य ही रखें, क्योंकि प्रथम पूज गणेश जी के बिना कुछ संभव नहीं है। राम दरबार का फोटो हो आपके पास तो वो भी रखें, वो बहुत ही अच्छा रहता है। एक कलश स्थापित करें और एक अखंड दीप जलाएं। भोग में माता सीता को खीर पूड़ी पुए पकवान मिठाइयाँ फल मेवा जो आपसे हो सकता है, जितने आपकी सामर्थ्य है उसके अनुसार भोग रखें। माता सीता की सुंदर आरती करें, उनके मंत्रों का उच्चारण करें और सीता माँ माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप है। सीता माता के इस व्रत को करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, मनोवांछित फल मिलता है, घर में सुख समृद्धि धर्म संस्कार की कभी कमी नहीं रहती है, माताओं बहनों का सुहाग अखंड रहता है। बहुत ही सुंदर व्रत है सीता नवमी, तो किसी प्रकार से जिस प्रकार से आप करना चाहें अवश्य ही करें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो भी आप सामग्री जुटा सकते हैं उस सामग्री के साथ सुंदर तरीके से माँ सीता का पूजन करें और माता से अपने सुख समृद्धि के लिए कामना करें। इस प्रकार से सीता नवमी का त्यौहार अवश्य ही मनाएं। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगेगी, अच्छी लगे तो लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। बहुत जल्द फिर आपसे मिलते हैं नए जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक सभी लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और जय माता की राधे राधे कमेंट में लिखते रहिए। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें। जय माता की राधे राधे।